के बाद एक बार फिर से रुक करते खबरों की ओर। फारबिसगंज के बथनाहा में एसएसपी ने एक लावारिस बैग जब्त किया है। इस बैग से 3 किलो चरस और कई संदिग्ध चीजें भी मिली हैं। बैग में चरस के अलावा 4 बैटरी वायर के साथ बुद्धा और सूर्य एयरलाइंस के 2 टिकट भी मिले हैं। जो टिकट मिला है वो 7 जनवरी 2016 को नेपाल के काठमांडू से विराटनगर जाने का है। पुलिस और एसएसबी की टीम मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। नहीं, इस अभी जहां से जो पठानकोट के इंसिडेंट के बाद, ठीक है, तो हम लोगों का तो सक्रियता और ज़्यादा हो गई, खासकर बॉर्डर पे जो एसएसबी का मैंडेट है, तो उन लोगों का भी सक्रियता बहुत ज़्यादा हो गई है। सक्रियता के कारण ही हमको लगता है कि ये सूचना भी मिलना, ठीक है, हम लोग भी दोनों तरफ से समन्वय स्थापित करके, ठीक है, जो भी तस्कर है या जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके ऊपर निगाह रखने की ज़रूरत है। अगली खबर गया से है, जहां जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक शख्स की आंखें फोड़ दी। राजू खां को गंभीर हालत में मगध मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना बथानी थाना के सिरमौर गांव की है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों ने राजू खां और उनके साथियों पर फायरिंग कर दी और फिर उसके बाद चाकू से राजू की आंखें फोड़ दी और उसके बाद उसे छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस राजू को जेपीएन अस्पताल में ले गई, जहां से उसे मगध मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला दर्ज कर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। धनबाद में बीसीसीएल के ब्लास्टिंग से नाराज गांव वालों ने जमकर हंगामा किया और एक गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। ग्रामीणों के मुताबिक बाघमारा में बीसीसीएल ब्लॉक 2 में ब्लास्टिंग से केशरगढ़ बस्ती के पास खेल रहे बच्चों के पास बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। किसी तरह बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमुनिया में चल रहे बिन्नी रामा आउटसोर्सिंग कंपनी के काम को ठप करा दिया और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक कंपनी का काम ठप रहेगा। यहाँ पर ब्लास्टिंग हुआ था, हैवी ब्लास्ट। तो आज क्या हुआ? आज हुआ मतलब पत्थर मतलब पूरा गांव में आज चलाए, घर में मतलब फील्ड में तालाब में सब नहा रहा था, इधर उधर बच्चा लोग खेल रहा था, बाल बाल बच गया पूरा ग्रामीण। फिर आप लोग जब तक हम लोग मतलब सुरक्षा सेफ्टी सुरक्षा नहीं मिला तब तक काम मतलब हम लोग बंद रखेंगे। क्रिकेट खेल रहे थे और पखल अचानक से उड़ के आया, तो हम लोग दौड़ के घर में जाके बोल दिए कि पखल उड़ के आया। होता है इस तरह का? हाँ होता है। तो तुम लोग बराबर ही होता है कि पहली बार ऐसा हुआ? बराबर होता है। आज पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और ये इसलिए खास है कि आज ही के दिन पटना में सिखों के 10वें और आखिरी गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। प्रकाशोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस जन्मोत्सव को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रकाशोत्सव पर जी मीडिया संवाददाता साकेत कुमार ने पटना सिटी के तख्त श्री मंदिर की तैयारियों को देखा। देखिए आप ये तस्वीरें। गुरु गोविंद सिंह के 349वें प्रकाशोत्सव के मौके पर पटना साहिब गुरुद्वारे में काफी ज्यादा यहां पर देखिए आप सजावट की गई है, साथ ही साथ भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। देश विदेश से जो श्रद्धालु है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं खास करके सिख समुदाय के लोग हैं उनकी आस्था बहुत ज़्यादा यहां पटना साहिब गुरुद्वारे से जुड़ी हुई है और उस वो लोग तमाम जो है वो वहां यहां पर पहुंचे हैं। ये मुख्य आपको मैं दिखाऊं जो गुरुद्वारे का जो मुख्य द्वार है, यहां आप देखिए किस तरह से जो लोगों का जो आने जाने का सिलसिला है वो यहां पर शुरू है। मैं आपको अंदर भी ले चलता हूँ और ग्रंथ जो है उसका दर्शन मैं आपको कराता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा भाव से, क्योंकि पटना साहिब गुरुद्वारे का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है ये और यहाँ आने का मतलब माना जाता है कि उन जो भी मन में मनोकामना है वो पूरी होती है। तो ये जो लोग हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और न सिर्फ सिख समुदाय के लोग बल्कि और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, दूसरे समुदाय से भी यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देखिए यहाँ पर
किस तरह से लोगों का जो है जमावड़ा वो आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपना जो कह सकते हैं भक्ति में लीन है। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन में तमाम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर दर्शन करें, साथ ही साथ जो अपनी मनोकामना है वो यहाँ पर पूरी हो, इसके लिए मन्नत करें, ये कोशिश होती है लोगों की। और यहाँ देखिए, मैं आपको दर्शन भी करा दूं कि किस तरह से यहाँ पर कीर्तन चल रहा है, साथ ही साथ जो यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का जो की जो ग्रंथि है वो यहाँ पर पढ़ी जा रही है। तो पूरी तैयारी है और साथ ही साथ आज पूरे दिन ये कार्यक्रम, तरह तरह के कार्यक्रम यहाँ पर चलेंगे। और आज रात में जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसे प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है, और उसको लेकर यहाँ पर तैयारी है। रात में आतिशबाजियाँ होंगी, फूलों की वर्षा होगी।